Hi friends, welcome to my new YouTube channel Cook and Taste. Today I will make all favorite chicken curry. So let's start. पहले हम चिकन को अच्छी तरह से धो लेंगे. इसको अच्छी तरह से साफ करके फिर हम इसका मैरिनेशन करेंगे. पहले हम ठंडे पानी से धोएंगे, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा चिकन को, जब भी चिकन आता है मैं उसको थोड़ा गर्म पानी से भी धोती हूँ ताकि अच्छे से ये साफ़ हो जाए. ये देखिए मैंने गर्म पानी से धो लिया और इसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ा सा बोनलेस अलग कर रही हूँ ताकि बोनलेस में हम अलग एक रेसिपी बनाएंगे. इसको हम आपको बाद में दिखाएंगे. अभी हम चिकन करी के लिए चिकन निकाल रहे हैं. ये रहे आपका चिकन करी के लिए चिकन. अच्छा, ये अलग कर लिया मैंने अच्छे से. अच्छा, तो इसको हम साइड में रखेंगे. अभी मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे दोनों का ही एक साथ. इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस पहले मिलाएंगे, फिर उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे आपका मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा. अच्छा, फिर इसके बाद हम मिलाएंगे सॉल्ट. ये जा रहा है आपका सॉल्ट. फिर इसमें मिलाएंगे हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर. अच्छा, बोनलेस में हम थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मिलाएंगे और इसमें नहीं मिलाएंगे ताकि ये मसाला जब हम पेस्ट करेंगे तब हमको चाहिए रेड चिली. अच्छा, अभी बोनलेस के लिए हम थोड़ा सा मसाला कुछ अलग बना रहे हैं. ये हम लिए हैं 3-4 लहसुन की कलियाँ और 3-4 ले लेंगे ग्रीन चिली और थोड़ा सा धनिया पत्ता. ये देखिए धनिया पत्ता ले लिया और इसको थोड़ा सा टुकड़ा करके फिर हम इसका एक पेस्ट बना ले रहे हैं और इसको अच्छे से कूट के हमने एक पेस्ट बना लिया. और इसको हम मिलाएंगे बोनलेस में और बोनलेस में हम एक डालेंगे आपका अभी एक एग. एग ले लिए, थोड़ा सा मैदा यहाँ पे हम मिला रहे हैं 4 चम्मच मैदा ले लिए और इसको अच्छे से मैरिनेशन करके हम इसको 4-5 घंटा के लिए अलग रख देंगे ताकि अच्छे से मैरिनेशन हो जाए. और इसका जब हम रेसिपी बनाएंगे तब अलग सा वीडियो हम डालेंगे. बस हो गया इसका मैरिनेशन. इसको हम ढक के अभी 4-5 घंटा के लिए रख दे रहे हैं. हो गया दोनों का मैरिनेशन. अब चिकन करी के लिए मसाला बनाएंगे. हमें चाहिए 2 प्याज, थोड़ा सा हरी मिर्च, 1 टमाटर, 3-4 रेड चिली, थोड़ा सा लहसुन, अदरक, प्याज और गरम मसाला. पाउडर मसाला में हम लिए हैं यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और सॉल्ट, हल्दी, टर्मेरिक पाउडर. बस अभी हम जो मसाला लिए हैं उसको थोड़ा पेस्ट कर देंगे. ये मैंने सब मसाला दे दिया, थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और पानी मिलाने के बाद हम इसका एक पेस्ट बना लिए. अभी जो पाउडर मसाला लिए थे उसमें थोड़ा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना ले रहे हैं. हो गया इसका पेस्ट. अब हम कढ़ाई में थोड़ा तेल दिए हैं, थोड़ा सा ही तेल देंगे. हाँ, फिर हम डाल दिए थोड़ा जीरा, थोड़ा तेज़पत्ता. इसके बाद हम अभी प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे. ये हमारा प्याज फ्राई हो चुका है. अभी हम इसमें डालेंगे जो मसाला हम पेस्ट किए थे उसको भी डालेंगे और जो पाउडर मसाला भी पेस्ट बनाए थे उसको भी डाल देंगे. इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे. मिलाने के बाद अभी देखिए ये मसाला तेल छोड़ चुका है. अब हमारा मसाला रेडी है और मैरिनेटेड हमारा चिकन भी इसमें हम डाल दे रहे हैं. अभी हो गया. अभी इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे मसाले में और कवर कर करके इसको थोड़ा पकाएंगे ताकि चिकन सॉफ्ट हो जाए. बहुत इजी है बनाने के लिए और बच्चों का तो फेवरेट है ही चिकन. बस रेडी हो गया हमारा आज का मेनू, चिकन करी, चावल, आलू भरता, थोड़ा सा करेला फ्राई और दाल.